हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर एक क्वेश्चन सीरीज जो आपके आगामी ADO एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। RTI अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति द्वारा कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005, 24 अक्टूबर 2005, 31 अक्टूबर 2005 या 26 नवंबर 2005। RTI अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति द्वारा कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर है 12 अक्टूबर 2005। उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2005 में क्रमशः कितने अध्याय, धारा और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 6, 30, 4, ऑप्शन बी 5, 31, 2, ऑप्शन सी 6, 31, 2 या ऑप्शन डी 6, 30, 2। RTI अधिनियम 2005 में क्रमशः कितनी अध्याय, धारा और अनुसूचियां हैं? सही आंसर है 6, 31, 2। 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारों की बाधाएं RTI एक्ट 2005 का कौन सा अध्याय है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4? सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारों की बाधाएं, ये RTI एक्ट 2005 का कौन सा अध्याय है? इसका सही आंसर है, ये है अध्याय 2। देखो, जो अध्याय 1 है वो है प्रारंभिक, अध्याय 2 है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाधाएं, अध्याय 3 है केंद्र सूचना आयोग से रिलेटेड, अध्याय 4 है राज्य सूचना आयोग से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से RTI एक्ट के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? एक निगम, संघ, कानूनी संस्थाएँ या नागरिक? निम्नलिखित में से RTI एक्ट के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? एक निगम, संघ, कानूनी संस्थाएं या नागरिक? सही आंसर है, एक नागरिक। RTI अधिनियम 2005 नागरिकों को सूचना तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रिया निर्धारित करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सूचना याचिकाकर्ता के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना कितने घंटे के भीतर वितरित की जानी चाहिए? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 120 घंटे? यदि सूचना याचिकाकर्ता के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना कितने घंटे के भीतर वितरित की जानी चाहिए? इसका सही आंसर है 48 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2005 का निम्नलिखित में से कौन सा धारा केंद्र सूचना आयोग की स्थापना से संबंधित है? धारा 6, धारा 9, धारा 10 या धारा 12? कौन सी धारा केंद्र सूचना आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका सही आंसर है धारा 12। धारा 6 की बात की जाए तो जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध की बात की जाती है, धारा 9 में अस्वीकार करने का अधिकार है, धारा 10 सेवरेबिलिटी है, धारा 12 है केंद्र सूचना आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, सूचना आयोग की शक्तियां और कार्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 18, धारा 16, धारा 20 या धारा 21? सूचना आयोग की शक्तियां और कार्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 18, 16, 20 या 21? सही आंसर है धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियां और कार्यों का उल्लेख है। धारा 16 में राज्य सूचना आयोग की पदाविधि और सेवा की शर्तें हैं, धारा 20 में दंड है, धारा 21 में नेक नीति से की गई कार्रवाई का संरक्षण की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
आरटीआई के पीछे उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है। आरटीआई एक्ट भारत में आरटीआई अधिनियम को प्रसारित करने, विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नीति आयोग को नियुक्त करता है। आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाने की कुंजी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, कथन सही नहीं है। इसमें कहा गया है आरटीआई एक्ट भारत में आरटीआई अधिनियम को प्रसारित करने के लिए एक जिम्मेदार नीति आयोग का नियुक्त करता है, ये प्रावधान कहीं भी नहीं है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने से संबंधित है। धारा 14, धारा 15, धारा 12 या धारा 17। कौन सी धारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाने से संबंधित है। सही आंसर है धारा 17। धारा 17 में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के सूचना आयुक्त को हटाने का प्रावधान है। धारा 14 में एक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को हटाने का प्रावधान है। धारा 15 में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की बात की जाती है और धारा 12 में केंद्र सूचना आयोग का गठन की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? गैर संवैधानिक, संवैधानिक ए और बी दोनों या न्यायिक निकाय? सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है आपको बताना है। गैर संवैधानिक, संवैधानिक ए और बी दोनों या न्यायिक निकाय? सही आंसर है ए और बी दोनों। गैर संवैधानिक क्यों? क्योंकि इसका कहीं जिक्र ही नहीं है संविधान में, इसलिए गैर संवैधानिक है। और संवैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम द्वारा की जाती है, इसलिए सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? लॉग बुक, परिपत्र, प्रक्रिया में फाइल नोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री? कौन सा सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है प्रक्रिया में फाइल नोटिंग। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मामूली आवेदन शुल्क है जिसे भुगतान करना होता है। एक पीआईओ 45 दिन में जानकारी देता है, एक एपीआईओ 35 दिन में जानकारी देता है और आरटीआई कानून 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। इसका सही आंसर है बी कथन, ये गलत है क्योंकि एक पीआईओ 30 दिन में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, पीआईओ के लिए तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करने की समय अवधि क्या है यदि जानकारी उससे संबंधित है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन? पीआईओ के लिए तीसरे पक्ष को नोटिस जारी करने की समय अवधि क्या है यदि जानकारी उससे संबंधित है? तो इसका आंसर है 5 दिन। यदि सूचना मांगी जाती है तो तीसरा पक्ष पीआईओ को कितने दिन में जवाब दे सकता है? ऑप्शन है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन। यदि सूचना मांगी जाती है तो तीसरा पक्ष पीआईओ को कितने दिन में जवाब दे सकता है? सही आंसर है 10 दिन में। अगला क्वेश्चन है, तीसरे पक्ष से सूचना प्राप्त करने के बाद पीआईओ कितने दिन के भीतर आवेदन का जवाब दे सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन या 40 दिन? तीसरे पक्ष से सूचना प्राप्त करने के बाद पीआईओ कितने दिन के भीतर आवेदन का जवाब दे सकता है? इसका सही आंसर है 40 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई आवेदन अस्वीकृति के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है?
50 दिन, 45 दिन, 30 दिन या 60 दिन? आरटीआई आवेदन अस्वीकृति के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? इसका सही आंसर है 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अपीलिपि प्राधिकारी कितने दिन के भीतर प्रथम अपील प्राप्त होने के बाद एक आदेश को पारित कर सकता है? 50 दिन, 45 दिन, 30 दिन या 60 दिन? प्रथम अपीलिपि प्राधिकारी कितने दिन के भीतर प्रथम अपील प्राप्त होने के बाद एक आदेश को पारित कर सकता है? सही आंसर है 30 दिन के अंदर। अधिकतम से अधिकतम वो 45 दिन लेगा, लेकिन वो 45 दिन से भी अगर वो अधिक ले ले तो उसको देरी का कारण है ना वो लिखित में बताना पड़ेगा। चलिए, प्रथम अपील की अस्वीकृति के बाद दूसरी अपील सीआईसी या एसआईसी को कितने दिन के भीतर की जानी है? आपको बताना है 90 दिन, 45 दिन, 30 दिन या 60 दिन। पहली अपील की अस्वीकृति के बाद दूसरी अपील सीआईसी या एसआईसी को कितने दिन के भीतर की जा सकती है? सही आंसर है 90 दिन के भीतर। और 90 दिन से भी अधिक मिल जाएंगे अगर आपके पास उचित कारण है तो। चलिए आगे देखते हैं, सूचना आयोग के आदेशों का पालन ना करने पर उनके पास शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? सूचना आयोग के आदेशों का पालन ना करने पर उनके पास शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? इसका सही आंसर है, समय सीमा है 30 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना आयोग कितने दिन के भीतर दूसरी अपील पर निर्णय ले सकता है? 90 दिन, 45 दिन, 30 दिन या कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है? सूचना आयोग कितने दिन के भीतर दूसरी अपील पर निर्णय ले सकता है? इसका सही आंसर है, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है दूसरी अपील के लिए। देखो, जो अवधि वाले हैं ना प्रश्न, उसको एक सिस्टमेटिक टेबल फॉर्मेट में समझते हैं। सबसे पहले एक पीआईओ एक थर्ड पार्टी को नोटिस 5 दिन में देता है, फिर थर्ड पार्टी पीआईओ को 10 दिन में रिस्पॉन्स देता है, एक पीआईओ अप्लीकेशन का रिस्पॉन्स 40 दिन में देता है, फिर जो पहली अपील है वो 30 दिन के अंदर की जा सकती है। पहली अपील का रिस्पॉन्स अपन को 30 दिन तक मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 45 दिन लेगा, फिर 45 दिन के भी अगर ऊपर चले जाए तो उसको लिखित में बताना पड़ेगा कि इतना डिले क्यों हो गया। फिर अपन दूसरी अपील 90 दिन में भी कर सकते हैं, फिर 90 दिन से भी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन अपन के पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि 90 दिन ज़्यादा अपन क्यों ले रहे हैं। फिर कंप्लेन अपन 30 दिन में कर सकते हैं, फिर सेकेंड अपील का जो रिस्पॉन्स है ना वो कहीं भी मेंशन नहीं है। तो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में इसको समझिएगा, क्योंकि ये जो अवधि वाले प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रथम सार्वजनिक प्राधिकरण है? लोक सूचना अधिकारी, संबंधित विभाग के प्रमुख, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त? निम्नलिखित में से कौन जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रथम सार्वजनिक प्राधिकरण है? सही आंसर है, संबंधित विभाग के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा के द्वारा एक सीआईसी पीआईओ को दंडित कर सकता है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा के द्वारा एक सीआईसी पीआईओ को दंडित कर सकता है? धारा 20, धारा 19, धारा 18 या धारा 17? कौन सी धारा के द्वारा एक पीआईओ दंडित कर सकता है? सही आंसर है, धारा 20 के द्वारा। धारा 19 में तो अपील की बात की जाती है, फिर धारा 18 में जो सूचना आयुक्त की शक्तियां हैं और कार्य की बात की जाती है, धारा 17 में राज्य सूचना आयोग को हटाने की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरटीआई एक्ट 2005 के दंड से संबंधित
सही है, आपको बताना है 245 रुपीज़ पर डे से लेकर 25,000, 250 रुपीज़ पर डे से लेकर 26,000, 250 रुपीज़ पर डे से लेकर 24,000 या 250 रुपीज़ पर डे से लेकर 25,000। कौन सा इनमें से आरटीआई एक्ट 2005 के दंड से संबंधित सही है? इसका सही आंसर है 250 रुपीज़ पर डे से लेके 25,000। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एन तिवारी, वजहत हजीबुल्लाह, सत्यानंद मिश्रा या दीपक संधू? भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे आपको बताना है? एन तिवारी, वजहत हजीबुल्लाह, सत्यानंद मिश्रा या दीपक संधू? सही आंसर है वजहत हजीबुल्लाह, जो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे 2005 से लेकर 2010 तक, और अभी करंट में सीआईसी हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो भारत के 11वें सीआईसी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता शामिल है, अपने कार्यालय के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्य के बाहर किसी भुगतान के लिए रोजगार में संलग्न है, ऑप्शन ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है आपको बताना है? सही आंसर है ए और बी दोनों स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति के कौन सदस्य हैं आपको बताना है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य इनमें से कौन है आपको बताना है? इसका सही आंसर है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो, जो मुख्य सूचना आयोग में जो मुख्य सूचना आयुक्त रहता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो सिफारिश करता है वो एक समिति रहता है, उस समिति के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, और उस समिति में प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता रहते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र कैबिनेट मंत्री रहते हैं। ये जो समिति है वो सिफारिश करती है भारत के राष्ट्रपति को, फिर भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य सूचना आयुक्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्ति की जा सकती है आपको बताना है? ऑप्शन है हाँ, लेकिन केवल एक कार्यकाल के लिए। ऑप्शन बी है हाँ, दो कार्यकाल के लिए। ऑप्शन सी है नहीं, उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नियुक्ति की जा सकती है एक बार फिर से, लेकिन केवल एक कार्यकाल के लिए। कार्यकाल से क्या संबंध है? या तो 5 साल के लिए या जब तक वे 65 वर्ष के नहीं हो जाते। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूचना आयोग में कितने सदस्य हैं वर्तमान में आपको बताना है? एक सीआईसी और 5 आईसी, एक सीआईसी या 6 आईसी प्लस 6 आईसी, एक सीआईसी प्लस 7 आईसी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है वर्तमान में केंद्र सूचना आयोग में कितने सदस्य हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सही आंसर है एक सीआईसी है और 7 आईसी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य हैं वर्तमान में बताना है आपको? एक SCIC है और 5 IC है, एक SCIC और 4 IC है, एक SCIC और 3 IC है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य हैं बताना है आपको? सही आंसर है अभी एक SCIC है और 3 IC है। चलिए, इनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2 मार्च 2006,
1 नवंबर 2006, 15 अगस्त 2006 या 26 जनवरी 2006। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। इसका सही आंसर है, स्थापना की गई थी 2 मार्च 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कुछ प्रकार की जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है, उनमें से वह जानकारी कौन सी नहीं है आपको बताना है। राष्ट्र सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, वाणिज्य विश्वास या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी जानकारी प्रकटीकरण से छूट प्रदान नहीं की गई है आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इन सभी जानकारी को प्रकट नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, केंद्र सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग को आदेश दे सकता है, एसपीआईओ कार्यालय राज्य के राज्यपाल के अधीन है, एक सीआईसी सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। सही आंसर है, केंद्र सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग को आदेश दे सकता है, ये कथन सही नहीं है क्योंकि केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों एक अलग स्वतंत्र निकाय हैं। केंद्र सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग को आदेश नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने से किसे छूट नहीं दी गई है आपको बताना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड या भारतीय रिजर्व बैंक। जानकारी प्रदान करने से किसे छूट नहीं दी गई है आपको बताना है। इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को छूट नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसमें आरटीआई को अस्वीकार कर दिया जाएगा, कौन सी स्थिति में आपको बताना है। अगर वो आरबीआई से संबंधित जानकारी है, अगर वो बैंक से रिलेटेड जानकारी है, 6ठी अनुसूची से संबंधित जानकारी है, या संसाधन असंगत रूप से अगर प्रभावित हो जाए। कौन सी स्थिति में आपकी आरटीआई को अस्वीकार कर दिया जाएगा। सही आंसर है, अगर संसाधन असंगत रूप से प्रभावित हो जाए तब आपकी आरटीआई खारिज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस में आरटीआई को स्वीकार कर लिया जाएगा आपको बताना है। अगर जानकारी 10 साल से अधिक पुरानी है, अगर जानकारी पर लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, यदि मांगी गई जानकारी स्वतंत्रता के पहले की है या उपर्युक्त सभी। आपको बताना है किस स्थिति में आरटीआई को स्वीकार कर लिया जाएगा। सही आंसर है, सभी स्थिति में आरटीआई को स्वीकार कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई अधिनियम 2005 का उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। देश की आंतरिक सुरक्षा को पारदर्शी बनाना, सरकार को अपने कृत के लिए जिम्मेदार बनाना, जन कल्याण को बढ़ावा देना या भ्रष्टाचार को खत्म करना। कौन सा आरटीआई अधिनियम 2005 का उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। सही आंसर है, देश की आंतरिक सुरक्षा को पारदर्शी बनाना, ये आरटीआई अधिनियम 2005 का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है आपको बताना है। यह नागरिकों के पक्ष में है और सरकार के खिलाफ है, दोषी व्यक्ति पर व्यक्तिगत दायित्व की बात की गई है, इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, या डी, सरकार को आधिकारित बनाता है। कौन सा आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है। सही आंसर है डी, यह सरकार को आधिकारित बनाता है, ऐसी कोई बात नहीं की जाती है आरटीआई अधिनियम 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के सूचना के अधिकार के तहत क्या नहीं आता है आपको बताना है। सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त करना, सरकारी निर्णय की प्रति प्राप्त करना, सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
नागरिकों के सूचना के अधिकार के तहत क्या नहीं आता है इनमें से? सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सभी नागरिकों के सूचना के अधिकार के तहत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना आयोग के पास निम्नलिखित में से किसके बराबर शक्तियां होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी क्रिमिनल कोर्ट या आपराधिक अदालत, ऑप्शन डी सिविल कोर्ट। आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना आयोग के पास निम्नलिखित में से किसके बराबर शक्तियां होती हैं? सही आंसर है सिविल कोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के जज और या ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है? सही आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत यदि जानकारी मानव अधिकार या भ्रष्टाचार से संबंधित है तो किसकी अनुमति की आवश्यकता है? मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। यदि जानकारी मानव अधिकार या भ्रष्टाचार से संबंधित है तो किसकी अनुमति आवश्यक है? सही आंसर है मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई अधिनियम 2005 का एक अनिवार्य हिस्सा है? आपको बताना है, निजी कंपनियों की रुचि, न्यायिक हित, जनहित या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई अधिनियम 2005 का एक अनिवार्य हिस्सा है? इसका सही आंसर है जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे ऐप जीपीएससी नॉलेज हब में मिल जाएगी। चलिए दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।